नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल डी। हमारे खास कार्यक्रम टिकट की दौड़ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दर्शकों, हम आपको पिछले कई दिनों से हरियाणा विधानसभा में जो विभिन्न टिकटार्थी है उनका परिचय करवा रहे हैं। एलनाबाद विधानसभा से बहुत सारे जो लोग हैं वो टिकट की दौड़ में शामिल है। ऐसे ही एक टिकटार्थी है हमारे साथ में जो कि चौधरी देवीलाल परिवार से काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं। ये पंचकूला के नगर निगम के ईओ रह चुके हैं। जब 1986 में चौधरी देवीलाल का न्याय युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय ये छात्र विंग के अध्यक्ष रहे थे। इससे पहले ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में इलेक्टेड प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जो दड़बा का जो चुनाव लड़ा गया था 1990 के अंदर, वो इनकी देखरेख में लड़ा गया था। और ये रोहतक में जो पार्टी का कार्यालय है उसमें कार्यालय सचिव रह चुके हैं। और चौधरी जो अजय सिंह चौटाला जी है उनके भी काफ़ी नज़दीकी रहे हैं। उनके संघर्ष के दिनों में ये साथी रहे हैं, क्योंकि अजय सिंह चौटाला जी वो छात्र नेता थे और हमारे साथ में जो मेहमान है ये भी उनके साथ में छात्र नेता रहे हैं। तो जब अभी पिछले साल वो रिटायर हुए हैं अपनी सेवाएँ 1990 से लेकर के 2018 तक 28 साल की सेवाएं देकर के वो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं और जननायक जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर भी माने जाते हैं। अभी उनको आदेश हुआ है कि आप इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र जाकर के संभाले। हालांकि अभी उनके नाम की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, तो उनको आदेश हुआ है। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है श्री ओपी सिहाग जी, जो कि इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी माने जा सकते हैं। तो हम आपको सीधे ओम प्रकाश जी सिहाग से रूबरू करवाते हैं। लेकिन सिहाग साहब, पिछले कुछ दिनों की अगर हम गतिविधियों पर नज़र डालें तो बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज है, जो बहुत सारे जो लोग हैं वो बीजेपी को लगातार ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो इससे आपको क्या लगता है कि वो 75 पार हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? मुझे बीजेपी के लोग बोलते हैं कि वो हम 80 से ज़्यादा पार कर जाएंगे। देखो जी, कोई बहम का इलाज नहीं होता। वो अभा उड़ रहे हैं, काफ़ी हवाएं ऊंची उड़ाई में, उनके जो नीचे ज़मीन पर थे पांव वो ज़मीन पर नहीं टिक रहे हैं। आज उनका जो आम कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता बात कर रहा हूं मैं, वो भी उनसे नाराज है, क्योंकि उनसे भी ढंग से बात नहीं कर रहे। और घमंड तो रावण को लिडुआ था। इन नेताओं के, इनको जो कभी दिन की दो सीटों वाली पार्टी होती थी, बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है। जनता बात समझ चुकी है, जनता आज त्राही त्राही कर रही है। आप देखिए, पानी ढंग से नहीं मिल रहा, टेल तक पानी नहीं पहुँचता। आज भाव तेल के, प्याज के 75 रुपए, 80 रुपए, हर चीज बढ़ रही है। दाल देख लो आप, वो 75 से ऊपर, और चीजें देख लो, मतलब इतनी महंगाई है। ये गरीब आदमी जो है उसका जीना मुश्किल हो गया है। और जो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है साहब, ये तो सारी हुई ना हरियाणा लेवल की बातें, क्योंकि आप अभी इस एरिया में अभी एंट्री आपकी हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आपको पता है, जानकारी है? जब तक आप समस्याओं के बारे में पता करेंगे, जब तक आप पूरे हल्के का दौरा करेंगे, तब तक तो इलेक्शन आ जाएंगे। बहुत कम है चौहान साहब, बिल्कुल मानना मैंने, समय कम है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, जैसा मैंने बताया कुमारिया गाँव मेरा, मेरी यहाँ सिरसा पोस्टिंग रही है। मैं एक एक मोस्टली रिश्तेदारी मेरी और किसान का बेटा हूँ, हर बात का मुझे पता है। यहाँ जो दिखते हैं वो सारे पता है। यहाँ चाहे टेल पर पानी नहीं पहुँचने की बात हो, क्योंकि सारा एरिया लगभग हमारे जो गांव पड़ते हैं सारे टेल का पानी लगता है, वो जहाँ से नहरें आती हैं कुछ लोग वहाँ पानी चुराते हैं। और कौन लोग हैं वो जो चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग पार्टियों से, वही लोग खराब करते हैं। यहाँ पर सबसे जो प्रॉब्लम, बड़ी भारी प्रॉब्लम है, वो नशे की है। नशा आज सारे गाँव में हर जगह बुरी तरह से फैल चुका है। मेरे गांव खुद की बात बताऊं मैं, कुमारिया की, वहां पर भी नशे ने लोगों को, बच्चों को चपेट में ले लिया बड़ी मुश्किल से। अब कुछ थोड़ा एक दो पकड़े गए थे पीछे, वो नशे जो बेचते थे वो भागे हैं। और नशा बिकवा कौन रहा है? बिना सरकार की सह के, बिना प्रशासन की सह के, बिना किसी पॉलिटिकल की सह के, हिम्मत नहीं किसी को नशा बेच दे रहे, सरे हम बिक रहा हो जो। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिज्ञ हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, ज़्यादा मैं उनका नाम नहीं लूँगा, चाहे वो कांग्रेस से हों, बीजेपी से हों, और इन सब के साथ जो जिस तरह दारू का ये कारोबार करते हैं, मिलावटी दारू बेचते हैं, इस तरह का जो धंधा है इन लोगों का, वो सारा चीज़ नशे से जुड़ी हुई है। और वो क्यों प्रभावशाली हैं, वो लोग नशा बेच के पैसा ज़्यादा कमाते हैं। अब चर्चा सुनते हैं, वो कहते हैं कि ये तो वोट खरीदेंगे, 5-5 हज़ार के, 10 हज़ार के, 3-3 हज़ार के, 2-2 हज़ार के। तो मैं आम लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ कि वोट अपनी बेटी के समान होता है, उसकी इज्जत करो। जिस तरह बेटी इज्जत करते हैं, उस तरह वोट की इज्जत करनी चाहिए। जो लोग हमारे नायकों को नशा बेचकर, चाहे वो दारू रूप में हो, चाहे वो चिट्टा के रूप में हो, भूखे के रूप में, किसी तरह वो नशा बेच के हमारा पैसा कमाकर हमें वापस देंगे,
कुछ लोगों को बांटेंगे और वो पैसा वापस उन्हीं के पास चला जाएगा, क्योंकि इस तरह का पैसा आया हुआ वो लोग कहीं के नशे में संलिप्त होंगे। तो ये आज जो इस तरह का तंत्र बन रहा है इस एरिया में खास तौर पर, उसको हमें तोड़ना होगा। उनको नशे को खत्म करना है तो ऐसे लोगों को वोट की चोट मारनी होगी, अदरवाइज ठीक है। मैं आया हूँ यहाँ बीच में, मैं एक बिल्कुल सीधे साधे परिवार से हूँ, सिंपल हूँ, हाँ संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है हक के लिए, यहाँ भी लड़ाई लड़ूंगा। और लोग जब मैं जाऊँगा लोगों के पास, हालांकि पुराना जो पुराने लोग हैं वो सारे जानते हैं, नो डाउट यूथ के बीच में नहीं रहे, अभी बाहर थे, अब आए हैं तो लोग जानेंगे, समझेंगे, विचार समझेंगे, और जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ। चलिए, ये तो आपकी बात हुई कि आपने बताया कि यहाँ पर नशे की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे बेरोजगारी हो गई, तेल पे पानी की हो गई, या कुछ और तरह की इस तरह की समस्याएं हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर जनता जननायक जनता पार्टी जो है वो आपको टिकट दे देती है और जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, तो आपकी ऐसी क्या प्राथमिकताएं रहेगी कि एलनाबाद क्षेत्र के लोगों का भला हो सके? चौहान साहब, जैसा कि आपने जिक्र किया, ये तो दो तीन मुद्दे थे, लेकिन मुद्दे किसानों के मुद्दे हैं बड़े गंभीर। पानी का मुद्दा है, गाँव में पीने के पानी का मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, फसलों के दाम किसानों में मुद्दा है, मजदूर किसान सब एक जैसे एक चीज वो उनका मुद्दा है, आड़तियों का मुद्दा है आज, और पीछे अभी दो दिन पहले ही अखबार में मैंने पढ़ा था, यहाँ जो बिजली का कनेक्शन लेना चाहते थे काफ़ी हमारे जो एलनाबाद के गांव हैं, कुछ रानिया के हैं, उनको डायरेक्ट जन घोषित करके उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ जो लोकल मुद्दे यहाँ के, चाहे वो आवारा पशुओं की बात हो, हालांकि छोटा मुद्दा है लेकिन आवारा पशु बहुत बड़ी समस्या है बड़े शहरों में गाँव में भी, तो इस तरह कहीं गलियों की बात है, पानी कहीं निकासी की नहीं है, या जो बड़े बड़े गांव हैं वहाँ पर शहरों को तरह सर्विसेज मिलनी चाहिए वो नहीं है, या जो अपना एलनाबाद शहर है सारे में ड्रेनेज सिस्टम ठीक ढंग से हो, सीवरेज ढंग से हो, या स्ट्रीट लाइट ठीक हो, सड़कें अच्छी हों, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कॉमन मैन के लिए, जो उसकी ज़िंदगी के लिए जो महत्वपूर्ण जो जरूरी चीज़ें हैं, जो सिविक एमिनिटीज सिविक सर्विसेज जो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से हो, ये सारे मुद्दे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये जो तीन चार नेता यहाँ घूम रहे हैं, हो सकता किसी ने मुझे कहा जी आप तो बाहर से हो, बाहर से आ रहे हो, किसी ने मुझे टोका था जी आप यहाँ तो रहे नहीं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ रहते थे उन्होंने क्या दे दिया सिवाय नशा बेचने के, हमारे यूथ बिगाड़ दिया, आगे की जिंदगी बच्चों की खराब कर रहे हैं वो लोग, चाहे वो दारू में नशा बेचते हों, चाहे दूसरे नशा को बेचने वालों को हेल्प करते हों, तो उन लोगों ने क्या दे दिया हमें? मैं तो कम से कम एक पढ़ा लिखा, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे परिवार से पढ़ के नौकरी करके आपके इनके बीच में आ रहा हूँ, लोगों के बीच में, और मुझे पूरा भरोसा है कि लोग अब शरीफ आदमी को साथ देंगे, ठीक आदमी को साथ देंगे, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में जननायक जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार ओपी सिहाग जी, जिन्होंने बताया कि वो छात्र जीवन से ही चौधरी देवीलाल परिवार के काफ़ी करीबी रहे हैं, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के वो साथ में उनका मिलकर संघर्ष किया है, और अब जब ये जननायक जनता पार्टी बनी है तो दुष्यंत चौटाला जी के साथ में मिलकर के उन्होंने इस पार्टी की नींव रखी है, और अभी इनको कहीं ना कहीं पे ये संकेत भी मिला है कि आप एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में जाकर के और जनता के बीच में जाइए, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में पार्टी इनको अपना उम्मीदवार घोषित कर दे। तो इनके साथ में हमने आज चर्चा की है इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, उनके करियर के बारे में, और यहाँ की समस्याओं के बारे में, और इनके आने वाले जो अगर ये विधायक बन जाते हैं तो इनकी प्राथमिकताओं के बारे में। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी टिकट की दौड़ का जो एपिसोड, आपको ये कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय और कमेंट हमें जरूर बताइएगा। एक नए एपिसोड के साथ में आपके साथ में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल डी।